यहाँ क्या दे रहा है हमें, खुशबू भरे फूल क्या दे रहा है, फूलों की माला दे रहा है। यहाँ पर उन्मुखीकरण में ही हमें उत्तर मिल गया है। और तीसरा प्रश्न है, हम भी तो कुछ देना सीखे, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। हम भी तो कुछ देना सीखे, सीखना का अर्थ है सीखना का अर्थ है मैच कोट लर्निंग। तो यहाँ पर कवि ने बताया है इस पाठ में तीसरा प्रश्न, कुछ ना कुछ देना सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने हमें निस्वार्थ भाव से अनेक चीज को हमें त्याग कर रहा है। तो हम मानव है, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़े हुए लोग भी रहते हैं। तो हम भी क्या करना है, वृक्षों के जैसा, हमारे प्रकृति के जैसा, हमारे जो साथी लोग रहते हैं या रहते हैं या बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनको भी हम कुछ ना कुछ देने की आदत तो हम सीखना चाहिए। इस प्रकार हम भी कुछ ना कुछ मदद, दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो उन्मुखीकरण के बाद पहला इस पाठ में हमें उन्मुखीकरण है वो पढ़ लिए है, उन्मुखीकरण है। और उसके बाद हम और एक विषय पढ़ेंगे, क्या है वो, उद्देश्य। उद्देश्य का अर्थ हम सभी को मालूम है, उद्देश्य। तो इस पाठ देने का मुख्य उद्देश्य क्या है అంటే ఉద్దేశము, అసలు మనకి ఈద్గా అనేటువంటి పాఠం ఇవ్వడానికి గల ఉద్దేశము ఏంటి? తో హం ఆటవీ కక్షా సే లేకర్ ఆటవీ సే దస్వీ కక్షా తక్ హం దేఖే తో ఇసి ప్రకార హమారే పాఠ్య పుస్తక్ మే హర్ ప్రకార పాఠ్ మే యానీ ఉపవాచ్ కే బజాయ్ హమారే पूरे पाठों में इस प्रकार की सीसी पैटर्न में हमारा पाठ्य पुस्तक है, उन्मुखीकरण रहता है, उद्देश्य रहता है, विधा विशेष रहता है, और लेखक परिचय रहता है, और उसके बाद विषय प्रवेश रहता है, और उसके बाद हमें पाठ दिया जाता है। इस प्रकार हमारे पाठ्य पुस्तक में आठवीं कक्षा से लेकर यानी सातवीं कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा तक इस विधा में हम सीसी विधा में हम रचनात्मक आकलन के रूप में यहाँ पर पढ़ाना चाहिए। उद्देश्य विधा उद्देश्य के बाद हमें यहाँ चौथा पढ़ सकते हैं, लेखक परिचय, और इसके बाद रहता है विषय प्रवेश, और इसके बाद हम पाठ पढ़ते हैं। कहानी विधा से परिचित कराना छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास करना, उनमें त्याग सद्भाव व विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य बोध संबंधी गुणों का विकास करना। यहाँ पर इस पाठ का उद्देश्य है कहानी। कहानी का अर्थ हम सभी को मालूम है, और कहानी बोले तो छोटे से बड़े बच्चों तक सभी को बहुत पसंद आने वाली है। मुख्यतः बच्चों को बहुत पसंद है कहानी का एक वचन कहानी है, और इसका बहुवचन कहानियां है। कहानियां, कहानी का अर्थ है कथलु यानी स्टोरीज। ये कहानियां बच्चों को बहुत पसंद है। सभी बच्चों को कहानी के पुस्तक पढ़ना बहुत पसंद है। हमारे पाठशालाओं में आजकल हमारे अनेक प्रकार के पाठशालाओं में ग्रंथालय है, उस ग्रंथालय में अनेक प्रकार के कहानी के पुस्तक है। वो कहानी पुस्तक बच्चे सभी लोग बहुत पसंद से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कहानी का परिचय किया गया है क्योंकि छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास करना, क्योंकि बच्चों को कहानियां पढ़ना बहुत पसंद तो है, उसी प्रकार पसंद के अनुसार बच्चों में कहानी लिखने की
कला विकास करना यानी पिल्ल की कथल चला इष्टम कथल चदवे इष्टम काबटी पिल्ल की तमकु नच्चिन विधा सोंतंगा कथलु रासेटुवंटि उत्साहानी इकड़ प्रोत्साहिंचडं कोसमु ई पाठमु इकड़ कथ रूपंलो इव्वडं जरिगिंदि एंदुकंटे पिल्ललकि कथलु इष्टं कथलु चदवडं अंटे बागा इष्टं कथलु चदिवे रासे विधंगा सोंतंगा वाडु रासेटुवंटि ज्ञानानि विकसिंपजेयडमे दीनि योक्क उद्देशं पुनिमे त्याग सद्भाव विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य बोध संबंधी गुणों का विकास करना अंटे पिल्ललो त्याग त्यागमु तरवाता विवेक विवेक कम अर्थ है जो अच्छे बुरे समझना अंटे मंच चेडु अर्थम चेसुकोवडमु तरवाता संवेदनशील कर्तव्य बोध अंटे संवेदनशील का अर्थ है अनुभवम रेस्पॉन्स अन्नमाट कर्तव्य अंटे कर्तव्यम अंटे मंची सामरस्यमु त्याग भावमु तरवात मंची चेडु तेलुसुकुनेटुवंटि विवेकमु तरवात आ मंची अनुभूतुलनु मरियु कर्तव्यानिकि संबंधिंचिनटुवंटि गुणालनु इक्कड विकसिंपजेयडं कोसमु ई पाठमु कथ रूपंलो इव्वडं जरिगिंदि तरवात उसके बाद हम आएंगे विधा विशेष ये विधा विशेष है इसे मैं पढ़ के सुना रही हूँ आप सभी पुस्तक में देखिए कहने शब्द कह धातु के साथ आनी कृत प्रत्यय जोड़ने से बना है कह का आशय कहना से है किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाना ही कहानी है तो बच्चे हम देखेंगे जो हमारे पाठ्य पुस्तक हमें तीन भागों में यानी जो परीक्षा में हमें इस प्रकार आएंगे परीक्षा में पहला हमें अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया आता है और दूसरा अभिव्यक्ति सृजनात्मकता आता है और तीसरा हमें भाषा की बात ये तीन विधाओं से हमारी पाठ्य पुस्तक है और इसी तीन विधाओं से हमें हमारा परीक्षा पेपर भी आता है तो यहाँ पर विधा बहुत जरूरी है इससे भी हमें भाषा की बात में एक अंक के लिए प्रश्न आता है विधा का अर्थ है विधानमु यानी प्रक्रिया यानी अंश यहाँ पर देखे तो हमारे पाठ्य पुस्तक में एक से बारह पाठ है इस एक से बारह पाठ तक हमें यहाँ पर एक एक पाठ एक एक विधा में दिया गया है तो हम देखे तो हमारा पहला पाठ है हमारे पुस्तक में बरसते बादल है पहला पाठ है हमारी पुस्तक में ये पाठ हम पढ़ लिए हैं और यहाँ बरसते बादल कौन सी विधा में है हमें कविता विधा में है तो इसके बाद हमें दूसरा पाठ है अब जो हम पढ़ रहे हैं ईदगाह है ये हमारा दूसरा पाठ है और ये है हमें कहानी विधा में है और इसके बाद हमें तीसरा पाठ आएगा माँ मुझे आने दे ये हमारा तीसरा पाठ है ये भी हमें